लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर रांची के तमाम बाजारों में पूरी तरह से जो छठ व्रती हैं वो पहुंचने लगे हैं। और छठ में विशेष करके आप देखेंगे सूप और दौरा का काफ़ी महत्व होता है, और यही वजह है कि सूप और दौरा का जो बाज़ार है बकरी बाज़ार में काफ़ी लोग यहाँ अपना सामान लेकर बाज़ार में उतरे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 40-50 सालों से आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे छठ व्रती के परिवार से लोग आए हैं दौरा लेने के लिए, सूप लेने के लिए। भैया, कितना महत्व होता है इस दौरी का? छठ बहुत महान हम लोग मानते हैं छठ पर्व को, और ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लोगों के लिए। इसको धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, पूरा हम लोग फैमिली एकजुट हो करके, अगर बाहर से भी हैं, हम लोग कहीं भी बाहर हैं तो गांव पर आ करके सबको एकजुटता से मनाते हैं इसको, इस त्यौहार को। ये जो दौरी है जिसे हम टोकरी भी कहते हैं, तो अमूमन इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग रखते हैं? इसमें सूप, जितना मैंने प्रसाद वगैरह हो गया, सूप हो गया, इसके बाद जितना फल फलहरी है सब इसमें डाल करके हम लोग लग जाते हैं सुरक्षित तरीका से। अब एक जगह इसमें कोई छुए नहीं, काफ़ी शुद्ध माना जाता है, शुद्ध माना जाता है इसको। तो ये देखिए सूप और दौरी आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं सूप जो है झारखंड के अलग अलग जगहों से बनकर आया है, और इनके जो विक्रेता हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता का हम प्रतीक कहेंगे। भाई पूरा नाम बताइए। जी, मेरा मोहम्मद मिनहाज नाम हुआ। अब्बा का क्या नाम? अब्बा का मोहम्मद मकसूद। अब्बा आपके लगभग 40 वर्षों से इस बाजार में? 40 वर्ष से आ रहे हैं इस बाजार में। बड़ा शुद्ध पर्व है, लोक आस्था का पर्व है, इसमें जूठा नहीं होना चाहिए, कोई खा रहा है तो हाथ धो के ही आदमी छूता है। बहुत आप लोग भी पूरी तरह से शुद्धता का पालन, शुद्ध का पालन करते हैं, अच्छी तरह से धो के भी सूप बेचते हैं, पैर भी नहीं लगना चाहिए इसमें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सूप और दौरी जो है वो कहाँ कहाँ से आता है? ये पूरा ऑल झारखंड से आता है, गिरिडीह हो गया, गोड्डा हो गया, दुमका हो गया, खूंटी हो गया, टपकरा हो गया, यही से एरिया से आती है, गिरिडीह से भी आती है। खूंटी का जो सूप और दौरा है और दुमका का क्या फर्क होता है? दुमका और खूंटी में बहुत सारा आसमान जमीन का फर्क है। खूंटी में थोड़ा मजबूत सूप बनती है, वो 120 का होलसेल आती है, और दुमका का आती है 50 से 55 रुपये सूप। देखिए थोड़ा इस तरफ आएंगे, प्रशांत दा से कहेंगे कि आप थोड़ा इस तरफ से आइए और यहाँ थोड़ा बात करेंगे सूप और दौरी को लेकर के। लोग धीरे धीरे खरीदने भी लगे हैं, और कितना महत्वपूर्ण है आप देखते हैं कि दीदी ये बताइए, आप सूप लेने आई हैं, कितना बड़ा पर्व है और इसका कितना महत्व हो जाता है? महत्व भैया बहुत है, छठ पूजा के महत्व ऐसे ही बहुत है, तो हम लोग को उसको आदर के साथ मनाना चाहिए, अच्छा से मनाना चाहिए हमें उसे। और रेट जो है कैसा? रेट परफेक्ट है, जो होना है बिल्कुल वही रेट है। कितने वर्षों से आप मतलब छठ? तो ये 12 साल से मना रहे हैं छठ, 12 साल हो गए हमारे, हम 12 साल से छठ मना रहे हैं। और हमेशा यहीं से? हाँ, हमेशा मैं यहीं आती हूँ लेने के लिए। तो ये देखिए शुद्धता का पर्व है, पवित्रता का पर्व है, और ऐसे समय में ये हम जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं लोक आस्था का जहाँ महापर्व है वहीं हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक हम कह सकते हैं कि ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो विक्रेता हैं टोकरी के जो विक्रेता हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, और पिछले 40 वर्षों से इस व्यापार में वो जुड़े हैं। तो ये समाज का, और हम कह सकते हैं ये यही रांची की खूबसूरती है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।